गौतम गंभीर के केकेआर में आने की चर्चा तेज। कप्तान नीतीश राणा ने भी दिया संकेत। गौतम गंभीर केकेआर के अब तक के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। अब मेंटोर की भूमिका के लिए केकेआर में हो सकती है उनकी वापसी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। दोस्तों, आईपीएल 2024 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज और लखनऊ सुपर जॉइंट के मेंटोर गौतम गंभीर की केकेआर में वापसी को लेकर हो रही है। गंभीर की केकेआर में वापसी को लेकर कप्तान नीतीश राणा ने भी संकेत दिए हैं कि गंभीर की घर वापसी हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने हाल ही में केकेआर के मालिक शाहरुख खान से मुलाकात की है और शाहरुख खान से मिलने के बाद गंभीर ने उनकी जमकर तारीफ की है। दोनों की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जॉइंट को छोड़ केकेआर में जा सकते हैं। पिछले साल केकेआर की कप्तानी करने वाले नीतीश राणा ने एक ट्वीट कर गंभीर की वापसी के संकेत दिए हैं। उन्होंने लिखा, शाहरुख और गंभीर अपने फील्ड के किंग है, यह घर वापसी के संकेत तो नहीं है, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। दोस्तों, केकेआर दो बार गौतम गंभीर की कप्तानी में ही आईपीएल खिताब जीतने में कामयाब हुई थी। वैसे दोस्तों, गौतम गंभीर को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या केकेआर में गंभीर की वापसी होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।